अनुरोध करूंगा अंकुर जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें और परिचर्चा को हम आगे की तरफ ले चलेंगे। माननीय मंत्री जी, जैसा कि आप उत्तराखंड सरकार में प्रवक्ता भी हैं, तो हम हमारे दर्शकों के बिहाफ पे पूछना चाहेंगे कि जब से प्रदेश में आपकी सरकार बनी है, क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं सरकार की। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ की एक कहावत का जिक्र करते हैं कि पहाड़ का पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आती, इस कहावत को गलत सिद्ध करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, आपसे जानना चाहेंगे प्लीज। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी 2016 में देहरादून के परेड ग्राउंड में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में प्रत्येक प्रकार की संभावनाएं असीम है। यहाँ हम इस राज्य को किसी भी दिशा में किसी भी रूप में आगे बढ़ाएं तो उस रूप में बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने दूसरा वाक्य प्रयोग किया था कि सरकार बनने के बाद ये केवल एक इंजन की सरकार नहीं होगी, ये डबल इंजन की सरकार है, जिसका एक इंजन देहरादून में होगा, दूसरा इंजन दिल्ली में होगा। और 2017 के बाद शायद हम ऐसा पहला राज्य बने देश का जिस राज्य ने भारत सरकार की योजनाओं का न केवल भरपूर लाभ लिया, अभी तो दिल खोलकर आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का जिस राज्यों को मिला होगा उसमें से हम भी एक है। आप देखेंगे राज्य के अंदर हमारी जो चार धाम की परियोजना थी वो रुकी पड़ी थी। इसलिए रुकी हुई थी कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो शायद या तो ये सोचती थी कि भारत सरकार को सरे मिल जाएगा, या वो सोचती थी कि योजना जितनी ढीले होंगी जनता में उतना ही संदेश जाएगा कि ये योजना कौन सी है। हमने सत्ता में आते ही उस सारी चार धाम की परियोजना को तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ाया, आज वो पूर्णता की तरफ चली गई है। आज आप देखेंगे चार धाम में जाकर कि वो जिस रूप में हमारी सड़कें छोड़ी हो गई है, जाने के लिए आनंद है, लोगों को लगता है कि एक सरलता के साथ आगे जा सकते हैं, और जो समय लगता था उसमें कमी आई है। इसी प्रकार से जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग हमारी रेलवे लाइन थी, यानी हम अगर कर्णप्रयाग तक बाई कार जाए तो हमारे 7-8 घंटे लगेंगे देहरादून या ऋषिकेश हरिद्वार से जाने में, आज वो हमारी 2 घंटे में दूरी पूरी हो जाएगी जब हम रेलवे का उपयोग करेंगे। आज उसमें हमने जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई रुकी पड़ी थी तेजी के साथ करके आज बहुत स्पीड के साथ वो काम इस रूप में चल रहा है। साथ साथ हमने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है। देखिए, किसी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उस राज्य की आवश्यकता होती है कि वहां की कनेक्टिविटी उमदा प्रकार की। आज आप देखेंगे हमारे राज्य में आप रेल मार्ग से आए तो करीब छोटा राज्य होने के कारण रेलवे स्टेशन देहरादून से आगे नहीं था, हरिद्वार और देहरादून, और उधर आप रहेंगे तो हल्द्वानी और छोटा राज्य होगा तो हमारा टनकपुर तक तो हम बाद में रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हल्द्वानी से आगे ट्रेन ले जाने की स्थिति में नहीं है। उन्हें देखते हुए हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों की आवाजाही है जो देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों से हम जुड़े हुए। रोड कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है, आप दिल्ली से आएंगे तो भी हमारे यहाँ हाईवे है, आप दिल्ली से हल्द्वानी रुद्रपुर आएंगे तो भी हमारे यहाँ हाईवे है, आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आएंगे तो भी हमारे यहाँ हाईवे, आप हिमाचल से आएंगे तो भी हमारे यहाँ हाईवे, यानी हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी और बेहतरीन किस्म की है। एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हमने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारा देहरादून का जो एयरपोर्ट है वो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमने उसके लिए जो लैंड की एक डिमांड थी वो हमने पूरी की है। आज उसके होने के बाद हमारा आज देहरादून एयरपोर्ट इतना बिजी एयरपोर्ट है देश का, आप एयरपोर्ट की कैपेसिटी के हिसाब से देखेंगे आज 40-50 से ज्यादा फ्लाइट वहां प्रत्येक दिन आवागमन हो रहा है। इससे अलग पंतनगर को हम बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर रहे हैं, हमारी जो एयर स्ट्रिप है चाहे वो चिंगारी छोड़ हो चाहे वो गोचर हो वो और चाहे पिथौरागढ़, आज उड़ान योजना में दिल्ली और पिथौरागढ़ के बीच में हमारी हवाई सेवा शुरू हुई है, उड़ान योजना में देहरादून से और हमारी चिंगारी छोड़ और गोचर की योजनाएं शुरू हुई है। आज राज्य के अंदर हमने 40 से ज्यादा बड़े हेलीपैड तैयार कर लिए हैं। आज हमारी जो हेलीकॉप्टर की सेवा है वो केवल चार धाम ही नहीं है, अभी तो हिमालय दर्शन के लिए हो चाहे हमारे राज्य के विभिन्न शहरों के लिए वो भी बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। तो इस प्रकार से इस 2017 के बाद हमने चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो चाहे स्थानीय युवाओं की बात हो चाहे पलायन को रोककर उनको रोजगार देने की बात हो चाहे रिवर्स प्लान की बात हो
चाहे महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, शायद ये राज्य पहली सरकार है 0% पर हम ऋण उपलब्ध कराते हैं अपने किसानों को, उनकी आय कैसे दुगनी होगी, किस दिशा में सोचते थे। हमारी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए हमने विशेष रूप से अनेक योजनाएं लागू की है उनको रोजगार से जोड़ने के लिए। आज आप चार धाम का प्रसाद यदि देखेंगे तो उस प्रसाद को बनाने में स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का है वही काम कर रहा है। अभी हमने जो हमारे रेडी ठेली वाले थे जो शहर के अंदर काम करते थे, हमने उनके लिए विशेष रूप से 5000 कियोस्क बनाएंगे, वो केवल महिलाओं के लिए हम बनाएंगे। इस प्रकार स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में मांगे बढ़े हैं। स्थानीय युवकों को 5 करोड़ तक के काम उन्हीं लोगों को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो जितने हमारे सेक्टर थे, चाहे वो टूरिज्म का हो, चाहे रोजगार का हो, एमएसएमई का हो, या हमारा अन्य प्रकार किसानों को रोजगार देने की बात हो, या स्थानीय युवकों को रोजगार देने की बात हो, स्वयं सहायता समूह को रोजगार देने की बात हो, ये सारे हम देखेंगे कि हमने पिछले 4 साल में बहुत उल्लेखनीय कदम उठाया। इसका ही परिणाम निकल कर आया है कि हमारी प्रति व्यक्ति इनकम 2 लाख से ज्यादा है जो राज्य के अंदर है। और हमारा राज्य चूंकि एक ऐसे राज्य के रूप में हम जानते हैं जो पर्वतीय राज्य है, जो छोटा राज्य है, जो हमारे यहाँ तराई का भी क्षेत्र है, भंवर का भी क्षेत्र है, हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र भी है, उन सबको देखते हुए भी हमने सारी योजना तैयार की है। और आज राज्य हमारी जो एक योजना थी, जो हमारा एक हम राज्य को एक बहुत ही मजबूत आधार देना चाहते थे, वो हमने दिया है। और हमने साथ साथ ये भी नारा दिया है कि 2025 में जाते जाते ये राज्य देश का सबसे समृद्ध राज्य बने, सबसे अच्छा राज्य बने, इस दिशा में भी हमने एक आधार रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।